यूपी के भाइयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है, इस बयान पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं और सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ सांसद मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जो ये बयान दिया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बयान बड़ी चोट पहुंचाने वाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको एंट्री नहीं देना है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री का डायलॉग है और वो भी प्रियंका गांधी वडेरा के सामने। और प्रियंका जो अपने को यूपी की बेटी कहती हैं, उत्तर प्रदेश इस समय वो चुनाव में कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी की बेटी हूँ, और आप उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में एंट्री नहीं देने देंगे कि आपके मुख्यमंत्री के बयान पे ताली बजा रही है। और चन्नी साहब, मैं समझ रहा हूं कि उनको क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं चन्नी साहब को याद दिलाना चाहता हूं, चन्नी साहब, पंजाब संतों गुरुओं पीर पैगंबरों की धरती है। आज आपने बिहार को नो एंट्री कर दिया, आप उत्तर प्रदेश के लोगों की नो एंट्री कर रहे हो। आपको पता है ना कि गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में पैदा हुए, आपने क्या अनर्थ कर दिया? गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से आपको नफरत है चन्नी साहब? तो तब मैं समझ सकता हूं कि ये जो है ना, ये सोच ये चन्नी जी की हो सकती है, पंजाब और पंजाबियों की नहीं हो सकती। पंजाब तो हिंदू सिख भाईचारा को दिल में बसाए हुए है। इस बयान के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखो, ये कांग्रेस की ना एक पुरानी मुगलों वाली सोच है, फूट डालो शासन करो। लेकिन अब तो मीडिया सजग है, अब आप थोड़ी कि सोचे होंगे पंजाब में बोल देंगे, यहाँ से काम निकाल लेंगे विरोध करके, और फिर मनोज तिवारी आ रहा है उसके प्रोग्राम में बहुत सारी भीड़ हो गई। मैं दो दिन अभी रह के आया हूँ, इनका जो आया है जहर ना, उसका प्रमाण मेरे पास है। आपको बताऊँ, जब मैं अभी गया हूँ यहाँ, ये वो कारण है, भोजपुरी में बोलो, होशियारपुर, ये फगवाड़ा है, होशियारपुर अलग है, अमृतसर अलग है। तो मैं गया दो दिन, तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि मेरी सभा में, अभी मोदी जी का तो छोड़ दीजिए जो हुआ है, आप हमारा घनिष्ठता था, दूर से मुझे पुकारते थे, मनोज यशो, हम लोग गाना भी किए हैं, हमको उन्होंने गाना भी गवाया है, बप्पी दा, अब तो हम यही कह सकते हैं, बप्पी दा को जन्नत मिले, बप्पी दा बुलाए नहीं जा सकते, कभी बुलाए नहीं जा सकते, वो तो बस ऐसा लगेगा कि वो हमारे गोल्डन बप्पी दा हमारे सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शानदार इंसान थे वो, विपरीत परिस्थिति में भी दुखी नहीं होते थे। तो ये जीवन का चक्र है, लेकिन मुझे लगता है कि बप्पी दा थोड़े समय से पहले चले गए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके चाहने वालों को ये कम बर्दाश्त करने की शक्ति दे। पंजाब की सियासत हर रोज़ अलग मोड़ लेती नज़र आ रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बयान के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज़ हो गई है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।